लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आए में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जेडीयू से आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार पांचवें दिन भी की चार सभाएं। लालू राबड़ी सरकार को लेकर क्या चेताया मतदाताओं को। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की करीब छह सभाएं। भोजपुरी में सीएम को लेकर क्या बोले तेजस्वी। लोजपा और जदयू दोनों को दिया राजद ने झटका। राजद में शामिल हुए दोनों के नेता। न्यूज बुलेटिन में है आगे, पप्पू यादव ने लालू राबड़ी और मौजूदा नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कही बड़ी बात। कब है बिहार में विधान परिषद का चुनाव, जानिए तारीख। जाते जाते ये भी बताएंगे कि क्यों याद किया चिराग ने पापा रामविलास की बात, किस बात को याद कर बोले चिराग। और कुशवाहा के रालोसपा ने जारी किए उम्मीदवारों की लिस्ट, अंतिम चरण के लिए जारी की आखिरी लिस्ट। अब खबर विस्तार से। बिहार में सीएम नीतीश कुमार का चुनाव अभियान जोरों पर, लगातार पांचवें दिन भी चार सभाओं को किया संबोधित। रविवार को बक्सर, डुमराव, तरारी और जगदीशपुर में अपने प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। साथ ही लालू फैमिली पर किया प्रहार, कहा कि पति अंदर थे, पत्नी बनी सीएम, पर महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं हुआ कुछ काम। साथ ही कहा वोट देने में अगर आप लोगों से जरा सी भी हुई गलती तो पहले जैसा हो जाएगा बिहार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा नीतीश जी का पहला और आखिरी प्यार है कुर्सी से चिपके रहना। वहीं बेरोजगारी, पलायन, कृषि को लेकर किए सवाल। साथ ही कहा नीतीश सरकार इन सब मामलों के लिए कुछ नहीं करेगी, ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। तेजस्वी ने रविवार को करीब आधा दर्जन सभाएं की। मोकामा में अनंत सिंह के लिए मांगे वोट। इसके अलावा जमुई, शेखपुरा, नवादा, शेरघाटी में भी की सभाएं। नवादा में भोजपुरी में बोले तेजस्वी, बहुत थक गए बाड़न अब हमर चचा, कर दा 10 तारीख के विदाई, एक मौका द ई भाई के, हमर डीएनए शुद्ध बा। चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे पटना। मीडिया से कहा कांग्रेस जो कहती है वो कर दिखाती है, कांग्रेस पार्टी झांसा देकर वोट नहीं मांगती। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस 70 में कम से कम जीतेगी 5 सीटें। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के करीबी और लोजपा के खास आर के चौधरी ने रविवार को राजद का थामा दामन। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती हुए राजद में शामिल। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा सोशल इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बुरे हालत में है भुखमरी के मामले में। वहीं उन्होंने कहा कि लालू के टाइम में बिहार में था जंगल राज, अभी नीतीश के समय है राक्षस राज। पप्पू यादव ने पटना के पालीगंज के बाद भोजपुर के आरा एवं बरहड़ा, रोहतास और बक्सर में जनसभाओं को किया संबोधित, अपने प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। बिहार में विधान परिषद की वोटिंग 22 अक्टूबर को, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होंगे मतदान। इस बाबत निर्वाचन आयोग ने नए आदेश में कहा कि वैसे बूथ जहां 2 घंटे तक मतदान प्रक्रिया किसी कारणवश रहेगी बाधित तो वहां की मतदान प्रक्रिया कर दी जाएगी रद्द। रविवार को जदयू, राजद और कांग्रेस ने अपने अपने दलों के लिए गाने जारी किए। जदयू के कैंपेन सॉन्ग में कहा गया है कि परख है जिसको चुनेंगे उसको, इसे मंत्री अशोक चौधरी ने किया लॉन्च। वहीं राजद ने भी चुनावी गाना लॉन्च किया है, इसमें कहा है कि भैया तेजस्वी सबके प्यारा लागे लन। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनावी गाना किया लॉन्च, बोले बिहार बदले सरकार, इसे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लॉन्च किया। शनिवार को बीजेपी ने भी किया था थीम सॉन्ग लॉन्च। मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा क्षेत्र से बेबी कुमारी नहीं लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर लोजपा का थामा था दामन, मगर अब बनी रहेंगी बीजेपी में बेबी कुमारी। पिछली बार निर्दलीय जीतकर बनी थी विधायक। लालू यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश पर साधा निशाना, लिखा है बिहार में अब हिंद महासागर भेजल जाओ का, 15 बरस के नाकामी के खाली गाल बजा के छिपाई बा, ए नीतीश तू थक गए बाड़ा अब जा आराम कर। चिराग पासवान ने कहा एनडीए से अलग होने के फैसले पर पछतावा नहीं और ना ही इस फैसले को लेने में उन्हें डर लगा। पापा बोलते थे अगर शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर कर निकलेगा, अगर गीदड़ होगा तो मारा जाएगा, मैं भी शेर का बच्चा हूं, जंगल चीर कर निकलूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुशवाहा की रालोसपा ने रविवार को अंतिम लिस्ट की जारी। पार्टी की अंतिम लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नाम है शामिल। रालोसपा कुल 105 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। सभी उम्मीदवारों की लिस्ट हो चुकी है जारी। लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।